बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। इस वीडियो में केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है वो देखेंगे। बैलेंस करने का पहला रूल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, यानी पहले सारे एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेंगे और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस कर लेंगे। तो देखते हैं, अब यहाँ पर यह है कि ये जो हमारा पोर्शन होता है इसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। और ये जो हमारा एरो के बाद वाला पोर्शन होता है इसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ये है हमारा प्रोडक्ट। तो बैलेंस करना मतलब बस इतना कर देना है कि इधर जितने भी एलिमेंट हैं उनका नंबर और प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उनका नंबर सेम हो जाए। सपोज यहाँ कैल्शियम एक है तो इधर भी कैल्शियम एक हो जाए, तो ये बैलेंस है। ठीक है, शुरू करते हैं एग्जांपल। कैल्शियम इधर वन है, यहाँ भी कैल्शियम वन है, प्रोडक्ट में बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ वन है, नाइट्रोजन यहाँ। अब ब्रैकेट के बाहर ये जो टू लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर जो टू लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये टू ऑक्सीजन के लिए भी है, ये टू नाइट्रोजन के लिए भी है। तो यहाँ टू और नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वन है। तो टू वन जा टू, तो नाइट्रोजन यहाँ टू हो गया, टू नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन वन है, यहाँ पे जब नाइट्रोजन वन है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे टू नहीं लिखेंगे, यहाँ टू नहीं लिखेंगे, हम यहाँ आगे सबसे आगे जो हमारा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसके सबसे आगे हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू से मल्टीप्लाई करने का मतलब टू वन जा टू, नाइट्रोजन दो हो गया। तो नाइट्रोजन इधर दो है, नाइट्रोजन इधर दो है, बैलेंस हो गया। अब कैल्शियम देख लेते हैं, खैर कैल्शियम पहले ही बैलेंस था। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ कितना है? टू वन जा, यहाँ भी अब ये जो टू लिखा हुआ ये हाइड्रोजन के लिए भी है, तो टू वन जा टू, तो हाइड्रोजन भी टू हो गया। तो यहाँ पे टू हाइड्रोजन है, ठीक है। उसके बाद टू वन जा टू, टू हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो टोटल हाइड्रोजन हो गया फोर हाइड्रोजन। ठीक है, अब प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे फोर हाइड्रोजन है, यहाँ टू हाइड्रोजन है। इसको फोर करने के लिए टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर, तो यहाँ भी फोर हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? तीन है, तो थ्री टू जा सिक्स हो गया, सिक्स ऑक्सीजन। प्लस यहाँ ऑक्सीजन कितना है? टू वन जा टू, टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारा टोटल कितना हो गया? एट ऑक्सीजन हो गया। प्रोडक्ट में देखते हैं, यहाँ तीन ऑक्सीजन है, तो टू थ्री जा सिक्स, सिक्स ऑक्सीजन हो गया। प्लस यहाँ टू वन जा टू, टू ऑक्सीजन हो गया, यहाँ हो गया एट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये पहला हो गया। सेकंड में हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव सोडियम सल्फेट एंड वाटर। अब सोडियम देख लेते हैं, रिएक्टेंट साइड में सोडियम एक है, प्रोडक्ट साइड में दो है, तो यहाँ टू से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब सोडियम हो गया दो, सोडियम बैलेंस हो गया। सल्फ़र यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है, सल्फ़र के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ वन था लेकिन टू से जब मल्टीप्लिकेशन होगा ये वाला, यहाँ पे जो टू होगा ये सबके लिए काम आएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन सब में होगा, तो टू हाइड्रोजन यहाँ हो गया, टू हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और टू हाइड्रोजन यहाँ पर है प्लस टू हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो टोटल फोर हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे फोर है, तो फोर करने के लिए यहाँ टू से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो टू टू ज़ा फोर हो जाएगा, तो हाइड्रोजन फोर यहाँ भी हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, वन है लेकिन टू से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
टू वन जा टू, तो टू ऑक्सीजन यहाँ हो गया, प्लस यहाँ पे चार ऑक्सीजन है, फोर ऑक्सीजन, तो कितना हो गया, सिक्स ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे चार ऑक्सीजन है, प्लस यहाँ पे टू वन जा टू ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरह ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, यानी यहाँ पे टू होगा और यहाँ पे भी टू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, तो इसको देखते हैं। सोडियम रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में सोडियम एक है, रिएक्टेंट में सिल्वर एक है, प्रोडक्ट में सिल्वर एक है, रिएक्टेंट में क्लोरीन एक है, प्रोडक्ट में सिल्वर क्लोरीन एक है, रिएक्टेंट में NO3 एक है, प्रोडक्ट में भी NO3 एक है, बैलेंस है। नेक्स्ट है ये हमारा बेरियम क्लोराइड वाला, तो यहाँ पे बेरियम एक है, प्रोडक्ट साइड भी बेरियम एक है, सल्फर एक है, प्रोडक्ट साइड में सल्फर एक है, क्लोरीन यहाँ दो है, क्लोरीन यहाँ एक है, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लोरीन टू वन जा टू हो गया। उसके बाद बेरियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ देखो टू वन जा टू, हाइड्रोजन दो है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ चार है, ऑक्सीजन यहाँ भी चार है, बैलेंस हो गया, यानी केवल यहाँ पे टू लगाएंगे। कभी कभी इक्वेशन ऐसे पूछा जाता है कि रिटेन में दिया होगा, लैंग्वेज में दिया होगा, हमें उसको रिएक्शन लिखना है प्लस बैलेंस करना है। लाइक हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से कंबाइन करता है, फॉर्म अमोनिया, अमोनिया बनाता है, बैलेंस करना है। नाइट्रोजन एक है, यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्टेंट में दो है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन एक है, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाइट्रोजन टू वन जा टू हो गया, यहाँ भी टू है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ दो है, यहाँ टू थ्री जा सिक्स हाइड्रोजन हो गया, सिक्स हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ सिक्स हाइड्रोजन करने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, एयर में मतलब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे सल्फर एक है, यहाँ पे सल्फर एक है, सल्फर बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ दो है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, बैलेंस है। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या केस है, ऑक्सीजन इधर दो है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, एक यहाँ है, प्लस दो यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ तीन है, तो ऑक्सीजन तीन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो इसको चार बना देंगे, दो से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, दो से जब मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो अब ऑक्सीजन कितना हुआ, टू यहाँ प्लस टू यहाँ है, फोर ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन को फिर से यहाँ बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन दो है, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस। अब जो है हाइड्रोजन देख लेते हैं, दो यहाँ पे है, हाइड्रोजन दो, टू टू ज़ा फोर, टू टू ज़ा फोर हाइड्रोजन है, तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी यहाँ हो गया, है ना, कितना हो गया, फोर हो गया हाइड्रोजन भी। लेकिन इसके साथ अब सल्फर डिसबैलेंस हो गया, सल्फर यहाँ दो हो गया, तो यहाँ पे सल्फर को दो करेंगे, जब यहाँ सल्फर को दो करेंगे तो ऑक्सीजन अब यहाँ टू टू ज़ा फोर हो गया और टू यहाँ है, तो फोर टू सिक्स ऑक्सीजन हो गया, सिक्स ऑक्सीजन हो गया। अब सिक्स ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे तो हमने ऑक्सीजन जो है चार लिखे हैं, तो सिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ये दो को मिटा देंगे, यहाँ पे हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हम लोग तुम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, थ्री से मल्टीप्लाई, थ्री ओ टू कर देंगे, थ्री ओ टू कर देंगे, तो टू थ्री जा सिक्स हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाएगा, तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या करना है।
बेरियम एक है, ये हमारा बीच वाली लाइन है, बेरियम एक इधर है, प्रोडक्ट में बेरियम एक है, एल्यूमिनियम दो है, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम केवल एक ही है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे दो बनाने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पे दो है, क्लोरीन यहाँ पे 2 3 6 है ना, 2 3 6 है, तो क्लोरीन को 6 बनाने के लिए 2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब क्लोरीन हमारा 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन जब क्लोरीन 2 3 6 हो जाएगा तो बेरियम हमारा 3 हो गया, तो यहाँ पे बेरियम को 3 कर देंगे, तो बेरियम बेरियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन बैलेंस हो गया। ठीक है, दो चीज़ें हो गई, एल्यूमिनियम दो था, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं हम लोग सल्फ़र पे, सल्फ़र एक है, यहाँ पे सल्फ़र 3 है, तो यहाँ भी देखो 3 से जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो सल्फ़र यहाँ भी, सल्फ़र भी 3 हो जाएगा, तो सल्फ़र भी बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या आ गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, बाहर 3 है, तो 3 4 12 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 3 12 ऑक्सीजन, यहाँ भी 12 हो गया, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे अगला क्या है कि पोटेशियम मेटल रिएक्ट, ये पोटेशियम मेटल है, वाटर से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो बहुत ईजी है। पोटेशियम एक है, यहाँ पोटेशियम एक है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, तो 2 कर दो, तो अब हाइड्रोजन 2 1 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पोटेशियम यहाँ 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेशियम भी 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 1 2 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 1 2 है, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अगर हमें सीधे सीधे रिएक्शन दिया गया है तो भी कर लेंगे, और अगर इस तरीके से लैंग्वेज लिखा है तो पहले लिखेंगे पोटेशियम मेटल का मतलब K होता है, रिएक्ट्स माने प्लस होता है, वाटर वाटर का H2O लिखेंगे, गिब्स माने एरो लगाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला मालूम होना चाहिए, प्लस हाइड्रोजन गैस होना चाहिए, इस तरीके से करेंगे।